हेलो दोस्तों, मैं प्रजापति आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। दोस्तों, जिन भाइयों को अक्षरी गंधक बनाना था और उन लोगों ने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट किया था कि सर अक्षरी गंधक की प्रोसेस बताएं, अक्षरी गंधक की प्रोसेस बताएं, तो उन भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से सुने। इस वीडियो में मैं दो प्रयोग बताने वाला हूँ, एक कली के मेटल वाला भी और अक्षरी गंधक वाला भी। ध्यान से सुने, अक्षरी गंधक आपको कैसे बनाना है। आप 1 लीटर का बीकर ले लो, उसमें 200 ग्राम गंधक डाल दो, 100 ग्राम गंधक का तेजाब डालो, ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, बहुत ख़तरनाक तेजाब होता है, इससे दूर ही रहना। उसको आप रेत यंत्र पे धीमी आंच में पकाएं, धीरे 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 उसका सारा कार्बन निकल करके जो है वो ऊपर बीकर में आ जाएगा। 1 घंटे तक आप उसको पकाएं, ज़्यादा धीमा भी ना रखें, थोड़ा तेज़ ही रखें। 1 घंटे तक पकाएं, उसका जौहर बीकर पे लग जाएगा। उसके बाद आप उसको वहाँ से उतार लें, 1 घंटे के बाद उसको आधा घंटा छोड़ दें, आधा घंटे में आपका गंधक जम जाएगा। सारा सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लें, निकालने के बाद फिर उसको गंधक को निकाल के गर्म पानी से धुल के कुट पीस करके उसको फिर धुल के उसको एक बीकर में डाल के गर्म पानी में उसको उबालें, फिर उसको धोएं, फिर उसी तरह 5 बार करें एसिड में, यह आपका गंधक साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रयोग मैं यहीं तक बता रहा हूँ, आगे फिर आपको बताया जाएगा, आप पहले इतना ही करें, ठीक है। अब जो कली के मेटल वाली बात है जो मैंने आपको कल दिखाया था, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें आपको खाली 2 ही चीज़ों का प्रयोग करना है, 2 जड़ी बूटी का, ठीक है। आपको कली का मेटल लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम कली के मेटल को तिली के तेल में बुझावा दो, 15 से 20 बुझावा दो, ये कली का मेटल आपका साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसको गलाओ, गलाने के बाद आपको इस जड़ी बूटी का दूध लेना है, ये देखिए पहचाने इसको क्या है, इसको अकोवा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, मदार कहते हैं, ठीक है। इसका 10 ml दूध आप 100 ग्राम कली पे 10 ml दूध की 7 पूट बनाओ, 7 बार पूट दीजिए। उसके बाद आधा घंटा तक उसको आप हिट कीजिए, हिट करने के बाद उसको फिर 15 मिनट के लिए ठंडा, 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने दो। उसके बाद फिर लाल मदार का दूध लो आप, 2-4 बूंद डालो, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका जो ये पूरा मेटल है इसका पानी मर जाएगा, ये चांदी के घर में चला जाएगा, ठीक है। इसको आप 15 मिनट ऐसी रख दो, 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा रख दो। उसके बाद आप फिर उसको ठंडा होने के बाद फिर उसको गलाओ, ठंडे पानी में हल्के हल्के धीरे धीरे धार में उसको बुझावा दो, या आपका मेटल साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद। जो लोग फ्रॉड बोल रहे थे कि ये फेक बता रहा है, ऐसा बता रहा है, वैसा बता रहा है, आप खुद ही करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स का फ़ायदा हो, धन्यवाद। ये है दोस्तों कल का मेटल, देखिए आप, ठीक है।